माय डियर स्टूडेंट, मैं सर मिश्रा सतपुड़ा आईटीआई रीवा से आपके सामने लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो नंबर सिस्टम पहले अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, बेसिक चीज आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय, और इंट्रोडक्शन मतलब नंबर सिस्टम का परिचय करना है। तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, नंबर मतलब होता है संख्या। तो संख्या पद्धति एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम संख्याओं को डिजिट अथवा सिंबल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में अगर इसमें बात की जाए प्रकार की, इसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है नॉन पोजिशनल, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो नाम मतलब जानते हो, नाम का मतलब होता है नहीं, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें पोजीशन वैल्यू ना हो। तो जैसे हम प्राचीन काल में, आधुनिक काल में संख्याओं की गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए उंगलियों का उपयोग करते थे। तो उंगलियों से हम कितनी संख्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, केवल जितनी हमारे पास उंगलियां हैं, उंगलियां कितनी है 10। तो 10 से अधिक कैलकुलेशन के लिए हम किसका उपयोग करते थे, फिर हमारे लिए कंकर, पत्थर या फिर कुछ ऐसी चीज जिनका हम कैलकुलेशन कर सकते, जिनको हम गिन सकते थे, उनका उपयोग किया गया। और इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो प्रकार है पोजिशनल नंबर सिस्टम, यानी स्थिति संख्या प्रणाली। इसमें हम ऐसी संख्या का प्रयोग करते हैं जो हम अपने जीवन काल में दैनिक में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे 0 से 9 इसी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दिखाते हैं यहाँ पे, अगर हमें लिखना है 1, नॉन पोजिशनल में हमें लिखना है 1, तो हमने इस सिंबल का प्रयोग किया। हमें लिखना है 2, हमने उसी को 2 बार रिपीट कर दिया। हमें लिखना है 3, हमने 3 बार प्रयोग कर दिया। हमें लिखना है 4, यहाँ पे क्या हम एक ही चीज को बार बार प्रयोग करते जा रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब अगर हम पोजिशनल की बात करें, पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी स्थिति मान संख्या प्रणाली। तो जैसे हमने इस पे प्रयोग किया 1, 2, 1, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि एक ही अंक को, यानी 1 को हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं। दाएं से अगर देखा जाए तो हमने 1 का प्रयोग किया, तो यहाँ पे 1 का मान तो 1 ही होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, फर्स्ट नंबर पे। देन जो दूसरा 1 है जिसको हमने रिपीट किया है, उसका पोजीशन कितना है, तीसरे स्थान पे है, यानी बाएं स्थान पे है, तो इसका पोजीशन वैल्यू कितना है, 100। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि आपको बता देते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक होता है डिजिट और एक होता है नंबर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमारे डिजिट है। देन इसके बाद इन्हें हम अंकों में भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट मीन्स ये अंक और ये हमारे संख्या। तो संख्या क्या है, 0 से 9 ये संख्या भी हो सकती है, लेकिन जैसे हमारे पास आ गया 11, ये नंबर्स है लेकिन इसको हम डिजिट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 2 डिजिटों के निर्माण से हुआ है। तो आपको क्लियर हो गया होगा पोजिशनल और नॉन पोजिशनल क्या है, डिजिट और नंबर्स क्या है। तो अब हम चलते हैं कहां, बेसिक चैप्टर पे। चैप्टर हमारा क्या कहता है कि हम नंबर सिस्टम में, यानी नॉर्मल मैथमेटिक्स में या फिर अपने लॉजिक कैलकुलेशन में हम प्रयोग करते हैं 4 प्रकार के नंबर सिस्टम। ये था हमारा बेसिक, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। जाते हैं इसमें टाइप में, 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। नाम आपको दिख रहे होगा, बोर्ड के सामने हमने लिखा है। आप डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमिक संख्या प्रणाली। दैट मीन्स इस पे हम जो डिजिट या सिंबल्स का प्रयोग करेंगे वो कितने होंगे, वो होंगे टोटल 10। कौन कौन से, 0 to 9। और आपको पता है 0 से 9 के बीच में क्या क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5, 6, 7, दैट मीन्स 9 तक। ठीक है, और ये जो 10 होता है ये क्या होता है, इसका होता है रेडिक्स।
इसका होता है ये रेडिक्स, जिसे हम बेस या आधार भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का नंबर सिस्टम मतलब क्या है इसका, इसको बाइनरी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस पे अपन क्या यूज करते हैं, इस पे हम केवल और केवल दो डिजिट का प्रयोग करते हैं, जीरो और वन का। और इसका जो रेडिक्स होता है, बेस होता है, कितना होता है, टू। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, एक ये कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, जो भी हमारे कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम करते हैं वो बाइनरी बेस पे ही बंद करते हैं। इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम पे जो हम डिजिट प्रयोग करते हैं वो कितने होते हैं, जीरो टू सेवन। और इसका रेडिक्स होता है आठ, इसका आधार कितना होता है आठ। इसमें कौन कौन से प्रयोग करते हैं, जीरो वन टू डेट डेट एस सेवन। और जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसका जो रेडिक्स होता है, जो बेस होता है, कितना होता है 16 या 16। और इसके हम जो उपयोग करते हैं, डिजिट उपयोग करते हैं जीरो टू एफ। तो एफ क्या है, एफ तो न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल वर्ड नहीं है, एफ क्या है, एफ अल्फाबेटिक वर्ड आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम कंफ्यूज होना है, इसके बारे में आपको बता देता हूं कि 0 टू 9 तो आप लगातार चलते जाएंगे, 0 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन अभी हमने आपको इधर आपको बताया था, इसके पहले वीडियो में स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था डिजिटल नंबर्स में डिफरेंट क्या है। तो हमें यहां पे जैसे दूसरा डिजिट यूज किया 10, तो ये नंबर में चल जाता है। अब इस नंबर को डिजिट में बदलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्फाबेटिक कर लेते हैं, ए 11 ले लेते हैं, बी 12 ले लेते हैं, सी 13 के लिए लेते हैं, डी 14 के लिए, ई 15 के लिए, एफ। अब इस पे कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, आप हमें सब बेसिक कभी भी आप कमेंट्स करके या फोन लगा के हमें आप बेसिक पूछ सकते हो, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो। तो आप चलते हैं कहां, अपन आप चलते हैं इसके पोजिशनल मान पे। पोजिशनल मान दैट मीन्स क्या, जैसे डेसिमल की बात करते हैं, डेसिमल हमारी दैनिक जीवन काल में प्रयोग होने वाली अंक प्रणाली है, जो हम सभी प्रकार के कैलकुलेशन के लिए प्रयोग करते हैं। बेस होता है 10 और डिजिट होते हैं 0 टू 9। और अगर इस पे हमने क्या कहा कि ये 1 टू 1 या 4, कुछ भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अगर इसकी पोजिशन वैल्यू देखी जाए तो पहली पोजिशन वैल्यू क्या है, 4। यानी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा स्थितीय मान, स्थितीय मान क्या है 4 × 1, 1 का क्या है 1 × 10, 2 का क्या है 2 × 100, 1 का क्या है 1 × 1000। ठीक है, यानी इसे हम नॉर्मल क्या पढ़ते हैं, अगर बोला जाए 1214। लेकिन नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, 1 2 1 4, यही डिफरेंट है नंबर सिस्टम और हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली अंकगणित में। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका कन्वर्जन, कि हम कैसे डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं, कैसे बाइनरी से डेसिमल में, या फिर आदर्श जो भी है। धन्यवाद।